सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने आर्ट वर्क को एकदम रियलिस्टिक कैसे बनाएं, मतलब जो आपको आसपास जो वाइट लाइंस दिख रही है वो कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेनी होगी एक टेप, जो कि मैं यही वाली टेप यूज़ करता हूँ बॉर्डर्स के लिए। तो सबसे पहले हमें चारों कॉर्नर्स पे ये टेप चिपका लेनी होगी थोड़ी थोड़ी, और चारों कोनों पे चिपकानी, और फिर इसके पूरी एक एक टेप लेनी है, उसके उसको मेज़र करना है कितनी लंबी टेप है। जैसे कि ये देखो, आप मैं कर रहा हूँ इसे, पूरी टेप को एक बार मेज़र कर लेना है, फिर तो उसके बाद उसको चिपका देनी है, और दोनों ऊपर और नीचे दोनों कॉर्नर्स सेम मेज़र होना चाहिए। फिर इधर भी चिपकाना है और फिर नीचे भी चिपकाना है, ऐसे चारों कॉर्नर्स भी चिपकाना है। अगर आपको नीचे और ऊपर ही लेना है सिर्फ टेप, तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे भी बढ़िया लुक आएगा आपकी फ़ोटोग्राफ में, आपकी स्केच में। और अब जैसा कि मैं ये आपके सामने टेप चिपका रहा हूँ, अच्छे से प्रेस करना है इनको सभी को, सब सारी ओर से प्रेस करना है। मैं अब जो लगाऊंगा उस पर भी अच्छी तरीके से आपको टेप प्रेस कर लेना। मैं नीचे लगाऊंगा टेप, और जो मैंने साइड में जितनी इसकी उसको मेज़र किया है उतना ही नीचे भी करना है मुझे। और अब मैं चारों बॉर्डर से लगाऊंगा, क्योंकि इससे अच्छा लुक आता है चारों बॉर्डर से लगाने से। अब मैंने चारों कॉर्नर्स पे टेप लगा दी है, और अब मैं अच्छे से इसको प्रेस कर दूंगा ताकि कलर जो है वो पेपर के बाहर ना जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कर रहा हूँ, ताकि बाद में ये बैकग्राउंड करने में मुझे हेयर बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बैकग्राउंड बाद में करने से हेयर में बहुत प्रॉब्लम होती है और कलर फैल जाता है, और फिर उसके बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगा टिश्यू पेपर से। सो मेरी पूरी पेंटिंग बन चुकी है, और मैं धीरे से इस पर टेप निकाल लूँगा। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे बिल्कुल टेप निकालूंगा, ताकि इसके साथ में जो अपना पेपर है वो फटे ना। तो कभी कभार क्या होता है कि पेपर फट जाता है और निकल जाता है और बाहर आ जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे निकालूंगा इसको। सो मैं दूसरी साइड से भी टेप निकाल लूँगा, और धीरे से बिल्कुल निकालना है और सही से निकालना है इसको, ताकि पेपर बिल्कुल भी ना फटे। मैं ऊपर से भी निकालूंगा इसको, और जैसा कि आप देख रहे हो कि कितना रियलिस्टिक लुक आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। एक पेंटिंग अगर आप बिना बैकग्राउंड के बनाते हैं तो उसमें वाइट ही रहता है, और अगर बैकग्राउंड बनाते हैं तो आप स्ट्रिप ज़रूर लगाइए, इससे क्या होगा आपकी पेंटिंग जो है रियलिस्टिक लगेगी। अगर आप स्केच भी बनाते हैं तो इससे आपकी स्केच जो है और रियलिस्टिक और उभर के आएगा, वो दिखेगा, मतलब वो अच्छा लगेगा कि आप कैसे बनाया है, और मतलब उसका लुक अच्छा आएगा। तो उसको देखो आप कितनी रियलिस्टिक लग रही है, इसके कुछ शॉट दिखाता हूँ।